Hello guys, so today we are starting with our new video, Dory Prohibition Act 1961. So first of all, Dory ka matlab hum jante hain kya hota hai. Dory in the simple words, the hedge. Okay, according to the section 2, Dory refers to the property or any valuable security to be given or agreed to be given by directly or indirectly. The hedge kya hota hai? The hedge koi bhi aisi property or any valuable security ko देना और उन कोई एग्री करना देने के लिए इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसको दहेज कहते हैं. दहेज कोई भी प्रॉपर्टी हो सकती है, लाइक कार होगी, गाड़ी हो गई, कार हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, कोई प्रॉपर्टी लैंड हो गई, कोई उसके पेपर्स हो गए, पैसे हो गए, ऐसी चीज़ें. ये सारी डोरी प्रिहिप्शन में डोरी में आती हैं. ओके, सो आगे डोरी कहते हैं डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हो सकती है. डायरेक्टली भी कह सकते हैं और इनडायरेक्टली भी कह सकते हैं. डायरेक्टली कैसे कि मतलब कि जो डोरी जिनको डोरी चाहिए थे वो कहते हैं कि आप मुझे गाड़ी दे देना, ठीक है, आप गाड़ी दे देना, आप बंगला दे देना, ऐसे आप पैसे दे देना, इतने पैसे दे देना, ठीक है. इनडायरेक्टली क्या आता है कि वो कहते हैं बारात का स्वागत अच्छे से कर देना, ठीक है, उस पर इतना खर्चा कर देना, पैलेस पर इतना खर्चा कर देना, तो ये इनडायरेक्टली में आ जाएगा. ओके, सर डोरी में कौन कौन आता है? डोरी में आता है सबसे पहले आ जाएंगे पार्टीज, वन पार्टी टू द मैरिज टू अनदर पार्टी टू द मैरिज. दो पार्टीज होती हैं इनमें, ब्राइड और ब्राइड रूम. ओके, चाहे ब्राइड ब्राइड रूम से मांगे, चाहे ब्राइड रूम ब्राइड से मांगे, ये दोनों डोरी में आते हैं. डोरी में ऐसा नहीं है कि अकेला लड़के वाला ही दहेज मांगता है. अगर कोई लड़की वाला भी लड़की वाला भी उनसे कोई डिमांड करता है तो वो भी दहेज में आएगा, वो भी इस पे अप्लाई होगा. डोरी प्रिहिप्शन एक्ट लड़की वालों पे भी लगता है. ओके, सो कोई आगे आ गया वन पेरेंट्स टू अदर पार्टी टू द मैरिज. वन पेरेंट्स टू अदर पार्टी टू द मैरिज, कोई एक पेरेंट्स दूसरे पेरेंट्स से को दूसरे पेरेंट से डिमांड कर रहा है, मांग रहा है डोरी. ओके, या कोई थर्ड पर्सन उनके बिहाफ पे डोरी के लिए कह रहा है, लाइक विचोला कोई है, ठीक है, जो रिश्ते करवाता है वो कह रहा है उनको डोरी के लिए, तब भी ये उस पर ये लगेगा, ठीक है. अगर सेक्शन थ्री क्या कहता है? सेक्शन थ्री कहता है गिव टेक ऑफ डोरी, गिव टेकन ऑफ डोरी. लेना और देना दोनों ही दहेज में आते हैं और दोनों ही ऑफेंसेस हैं. लेना और देना दोनों ही फैंसिस में आएंगे. ओके, लेने और देने के लिए 5 साल तक की सज़ा और 15,000 रुपये फाइन है, इससे ज़्यादा भी हो सकता है. ओके, डोरी लेना और देना दोनों ही फैंसिस हैं. ओके, ये ऐसा नहीं है कि अकेला जो लड़का है वो लड़की वालों से ही दहेज मांग सकता है. अगर कोई लड़की वाले भी लड़के वालों से दहेज मांग रहे हैं तो वो भी डोरी में आएंगे और उनके खिलाफ भी एक्शन हो सकता है. ओके, सो इसमें एक्सेप्शन है एक, कोई भी गिफ्ट है कोई भी थिंग है एट द टाइम ऑफ मैरिज जो पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहे हैं, कोई भी ऐसी चीज़ मैरिज के टाइम पे अगर कोई पेरेंट्स अपने बच्चों को दे रहा है तो वो गिफ्ट माना जाएगा, वो दहेज नहीं माना जाएगा. लेकिन वो चीज़ लिस्ट मेंटेन इन दिस एक्ट आनी चाहिए, जो लिस्ट बनी हुई है इस एक्ट में कि ये चीज़ें पेरेंट्स अपने बच्चों को दे सकते हैं, ये दहेज नहीं कहलाएंगी, वो ही अकेली थिंग्स गिफ्ट कहलाएंगी इसमें. ऐसा नहीं है कि कोई बाप अपनी बच्ची को गाड़ी गिफ्ट कर रहा है एट द टाइम ऑफ मैरिज, वो कह रहा है ये गिफ्ट, मैं एज ए गिफ्ट दे रहा हूँ, लेकिन फिर गिफ्ट में और डोरी में क्या रह गया, क्या डिफरेंस रह गया? फिर उसने एज ए गिफ्ट मांग रही डोरी, ऐसा नहीं है. ये जो गिफ्ट हैं वो अकेले जो लिस्ट मेंटेन इन दिस एक्ट है उसमें आने चाहिए, तभी ये गिफ्ट माने जाएंगे, नहीं अदरवाइज ये डोरी में चले जाएंगे. ओके, आई होप यू अंडरस्टैंड. और सेक्शन 4 क्या डील करता है? डिमांडिंग ऑफ डोरी. अगर कोई डिमांड करता है उसके लिए 6 मंथ से लेके 2 ईयर के लिए सजा है और 10,000 रुपये का फाइन है. ओके, नेक्स्ट आ गया सेक्शन 5, एग्रीमेंट ऑफ डोरी इज वॉइड. डोरी भी ऑफेंस है और एग्रीमेंट जो होगा इनमें वो पहले से ही वाइड होगा, वो वाइड अबनिशियो होगा. लाइक किसी में एग्रीमेंट हुआ कि मैं तेको इतने पैसे दूंगा एज ए दहेज, एज ए डोरी,
तो वो जो एग्रीमेंट हुआ वो अगर नहीं देता तो वो ये नहीं कह सकता कि तूने मुझे ये डोरी के पैसे नहीं दिए, हमारे में एग्रीमेंट हुआ था, क्योंकि ये पहले से ही वॉइड है और इसके लिए सजा भी है। और आगे जो डोरी का ऑफेंस है वो पार्शली कोग्निजेबल ऑफेंस है। कोग्निजेबल ऑफेंस मीन्स कि कोई भी पुलिस ऑफिसर किसी को भी विदाउट वारंट, अगर किसी ने कोई ऑफेंस किया है कोग्निजेबल ऑफेंस, उसको विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है। उसकी पुलिस वाले के पास पावर होती है कि वो किसी को जिसने ऑफेंस किया है उसको विदाउट ए वारंट अरेस्ट कर सकता है। लेकिन इस डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में 1961 में जो पार्शली कोग्निजेबल ऑफेंस का टॉपिक है वो यही है कि ये कोग्निजेबल ऑफेंस है लेकिन फॉर द पर्पस ऑफ द इन्वेस्टिगेशन ओनली। इन्वेस्टिगेट करने के लिए वो किसी को भी विदाउट वारंट अरेस्ट कर सकता है, पुलिस ऑफिसर, इन्वेस्टिगेट करने के लिए। अगर उसको इन्वेस्टिगेट करने के बाद पता लगता है कि ये सच में डोरी ऑफेंस ही है, ऑफेंस है, डोरी अक्यूज्ड है, तो वो उसको मैजिस्ट्रेट के पास पेश करेगा और फिर फर्दर स्टेप्स, फर्दर प्रोसीजर चलेगा। अगर उसको ये लगता है कि नहीं ये ऑफेंडर नहीं है तो वो उसको छोड़ देगा। सो ये है पार्शली कोग्निजेबल ऑफेंस का टॉपिक। और आ गया बर्डन ऑफ प्रूफ। ये बर्डन ऑफ प्रूफ डोरी प्रोहिबिशन एक्ट में हमेशा अक्यूज्ड के पास होता है कि उसको ये साबित करना होता है कि उसने डोरी नहीं ली मांगी, उसने डोरी नहीं मांगी, उसने डोरी नहीं ली। ये अक्यूज्ड के पास है कि उसने ये साबित करना है कि उसने डोरी नहीं ली। सो बस इसमें इतना ही है। आई होप यू अंडरस्टैंड। और एनी क्वेश्चन है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में जाइए और क्वेश्चन करिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर फर्दर वीडियोज़। थैंक यू सो मच।